राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला विकास अभिकरण द्वारा हमीरपुर जिला की महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद बेचने के लिए ई स्टोर ऐप उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे अपना उत्पाद देश के विभिन्न कोनों में बेच सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय में बढ़ोतरी करना है। ई स्टोर ऐप के माध्यम से महिलाओं को उत्पाद के ऑनलाइन बेचने तथा उनके उत्पादों की सूची आम जनता को उपलब्ध करवाने का काम भी किया जाएगा। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और महिलाओं को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। इससे अब जिला के महिला स्वयं सहायता समूह ई स्टोर ऐप के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त कर इन्हें आसानी से बेच भी सकेंगे। स्थानीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल पर ई स्टोर ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप पर पिन नंबर डालकर उपभोक्ता को स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की सूची भी उपलब्ध हो जाएगी। इस सूची के आधार पर वे इन उत्पादों के लिए ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऑर्डर मिलने पर संबंधित महिला स्वयं सहायता समूह से ये उत्पाद उपभोक्ता तक पहुंचेगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हमीरपुर जिला की ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने तथा उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन ने ई स्टोर ऐप को बनाया है, जिसके तहत महिलाओं को उनके उत्पाद को बेचने तथा उनकी उपलब्धता के बारे में ऐप के माध्यम से सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला की 12 स्वयं सहायता समूहों को इस ऐप के जरिए जोड़ा जा चुका है। इसे ई स्टोर ऐप के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पाद ऑनलाइन बेचने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि ई स्टोर ऐप के बारे में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और अलग अलग विभागों की इस तरह की जहाँ जहाँ स्कीम्स हैं उसके तहत उन कार्यों को करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं स्वयं सहायता समूह हैं महिलाओं की उनको बनाया गया है। और ये एक भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है NRLM और जिसके तहत महिलाओं की जो रोजगार के तहत कम से कम हर परिवार का जो है इनकम मंथली इनकम जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप विलेज लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप और विलेज लेवल पे उनको मार्केटिंग और उनको दूसरी जो एक्सपर्टीज प्रदान करके उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत कारगर ये एक स्कीम जो है ये काफ़ी समय से हम लोगों के द्वारा जो है हमारे DRDAs ब्लॉक्स पंचायत द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हाल ही में आप लोगों को पता है कि हमारे जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अच्छे से चलाने के लिए उनके उत्पादों को अच्छे बेहतर ढंग से बनाने के लिए उनकी ब्रांडिंग के लिए उनके क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग के लिए जो है थोड़ी ट्रेनिंग्स जो हैं हमने रेगुलरली इस साल करवाई हैं जिसमें नेशनल लेवल ट्रेनर्स ने भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को हमारे ज़िले में आके ट्रेन किया है और उससे जो है अलग अलग ब्लॉक्स में जा जा के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रेरित कर रही हैं कि वो अच्छे व्यवस्थित तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। अब मार्केटिंग का जो चैनल है ये गांव में बैठी महिलाओं के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अपने आप से ढूंढना और उसके अपने उत्पादों को प्रॉपर अच्छे रेट्स में बेच पाना ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग साबित होता है। और इस कड़ी में हमने एक पहल हमीरपुर ज़िले में की है और इस योजना को बनाया है कि भारत सरकार का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोविड के दौरान बनाया गया था जिसका नाम दिया गया है CSC ग्रामीण ई हाट, जिसमें हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से उस ऐप में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन अपना उत्पाद जो है वो बेच सकते हैं। और हमीरपुर ज़िले में हमने फिलहाल पहले चरण में 12 ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को चुना जिनके उत्पाद अच्छे ढंग से वो अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं और उसमें डिमांड भी उन्होंने जनरेट किया है अपने प्रयासों से और उनको हमने CSE ग्रामीण ई हाट पोर्टल में रजिस्टर करवाया है। उसकी प्रथम चरण की ट्रेनिंग भी 2 दिन पहले जो है समाप्त की गई जिसमें उनको सिखाया गया है कि ऑर्डर्स कैसे लेने हैं, उनकी डिलीवरी कैसे करवानी है, उनकी प्रॉपर स्टोरेज कैसी करनी है और उस तहत अपनी मार्केटिंग जो है उसकी गतिविधियों को कैसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बढ़ाना है।
तो जिला प्रशासन और DRDA के साथ मिलके ये पहल हमने की है और हम आशा करते हैं कि जो आम जनता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड को जो बढ़ाएं, और इस तरह का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम आपको बार बार समय समय पे बताते रहेंगे, CSC ग्रामीण ई स्टोर ऐप के माध्यम से इन प्रोडक्ट्स के लिए आप ऑर्डर्स प्लेस करें और फिर हमें बताएं अपने सजेशंस की और इसको और किस तरह से बेहतर किया जाना चाहिए, और इन महिलाओं को और जो लोकल प्रोडक्ट्स जो हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के इंडिजिनस है उन लोगों को भी बढ़ावा।